मैं प्रिया पांडे आपके साथ आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर झारखंड के बोकारो से आ रही है। बोकारो के सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग की बेटी की जिंदगी उजड़ते उजड़ते बच गई। एक और शादी का मंडप सजा था, दूसरी तरफ जयमाला हो रहा था, बस यही एक ढोंगी का बुना भ्रम जाल टूट गया। दरअसल शादी में शरीफ होने आए कुछ लोगों को दूल्हे की उम्र देखकर शक हुआ तो लोग दबी जुबान इसकी चर्चा करने लगे। उसी में से एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस सहित बजरंग दल वाले को इसकी सूचना दे दी। बजरंग दल वाले विवाह स्थल पहुंचे, तब तक आरोपी शातिर दूल्हे को भनक लग चुकी थी। वह मौके से अपने नकली बनाए हुए बाप के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। परिवार का पूरी पकड़ बनाने के बाद पीड़ित परिवार से कि तीन बेटियों में से एक बड़ी बेटी से उसकी शादी का प्रस्ताव रख दिया। कल रात उसी प्रस्ताव के तहत शादी की रस्में पूरी की जा रही थी। मूलतः बिहार गया का रहने वाला यह बहुरूपिया पहले से भी 3 शादियों का कर चुका था। वर्तमान में यह धनबाद के वाशेपुर में अपना मकान बनाकर रह रहा था। बोकारो के सिटी डीएसपी ने मामले की जानकारी लेते हुए बताया कि आरोपी पूरी तरह से क्रिमिनल दिमाग का है। पूर्व में भी यह ठगी के मामले में चास थाना क्षेत्र के जेल भेजा जा चुका है। पुलिस के हाथ जल्द ही आरोपी के गिरेबान तक पहुंच जाएगी। आरोपी इसके पूर्व रांची, जामताड़ा, रघुनाथपुर सहित चतरा में भी जेल जा चुका है। बहरहाल पुलिस अभी कार्रवाई अपने और कानून के हिसाब से करेगी, परंतु इस फर्जी शादी में शिरकत करने आए लोगों ने अपने समझदारी से न सिर्फ एक नाबालिग लड़की की जिंदगी तबाह होने से बचा लिया, वहीं लव जिहाद को असफल कर दिया है। क्या बोला तुमको, क्या बोल के ऐसे तुमसे शादी कर रहा था? क्या बोल के किया? तुम बताओ ना। हाँ? कोई ये नहीं, बिंदास बोलो। हाँ? बोलो, बताओ बताओ अपना नाम क्या बताया? संजय का सेरा बताया। हाँ, क्या बोल के फिर शादी किया? कैसे तुम लोग को डराया था क्या कुछ? नहीं, मम्मी से ही भेंट हुआ तो मम्मी ही बोली, तो घर में फिर सबका आना जाना बंद कर दिया। क्या पुलिस उलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ। क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में। हाँ। और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये हैं, वो हैं। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। तो क्या शादी हुआ कि क्या हुआ फिर, कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पिस्टल उस्टल भी ले खाता था क्या? खबर झारखंड के बोकारो से आ रही है, जहां बोकारो के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बीडीपीएस क्षेत्र स्थित भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी का गुरुवार को डीसी कुलदीप चौधरी एवं एसपी चंदन झा ने निरीक्षण किया। उन्होंने एकेडमी का संचालन कर रहे आशु भाटिया एवं अन्य के प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ियों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। एकेडमी द्वारा बताया गया कि एकेडमी के 19 बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सभी तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। अब तक 18 गोल्ड एकेडमी से संबंधित खिलाड़ियों ने अर्जित कर लिया है, जिला पर राज्य का मान बढ़ाया है। इस पर डीसी एसपी ने प्रसन्नता व्यक्त किया और डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जिले में आधारभूत संरचना का कैसे विकास हो, खिलाड़ियों को कैसे बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है, ताकि खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होकर राज्य व देश का नाम रोशन करे। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अनंत कुमार, एसटीपीओ एससी झा, विशेष कार्य पदाधिकारी विवेक शुभन, जिला खेल पदाधिकारी मार्कस हेम्ब्रम समेत अन्य उपस्थित थे। क्षेत्र में जो भाटिया एथलेटिक्स अकेडमी चला रहे हैं, इसके लिए काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके प्रयासों से यहाँ के जो बच्चे हैं, जो एथलीट्स, वो न केवल झारखंड राज्य में बल्कि इंटरनेशनल नेशनल सभी लेवल पर जाके
राज्य का देश का नाम रोशन कर रहा है। तो उसी एकेडमी को हम लोग देखने आए थे, यहाँ पर बच्चों से मिले, उनका भी हौसला अफजाई हम लोगों ने की और संस्था को किस प्रकार से और बेहतर सहयोग किया जा सकता है उसके भी रास्ते हम लोगों ने अभी वर्कआउट किए हैं। और पास में ही यहाँ पर जो लोकल ग्राउंड है, हालांकि ज़िला में अभी एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक हम लोगों के पास चंदन क्यारी में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से बन गया है, वहाँ पर भी टीम जाके वीकली जो इनका अपना शेड्यूल है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। परंतु नज़दीक क्षेत्र में भी, खासकर अभी हम लोग कथारा जो एरिया है, यहाँ पर CCL का जो ग्राउंड है उसको विजिट करने के लिए भी आए हैं। यहाँ पर इसको किस प्रकार से बेहतर और विकसित करना है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरे ज़िले भर में जो खेलकूद को लेके, स्पोर्ट्स को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है उसको किस तरह बढ़ावा मिले, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं ना केवल ज़िले के लिए, राज्य के लिए, बल्कि देश में भी जाके अपने क्षेत्र का और राज्य का नाम रोशन कर सकें। बड़ी खबर मेनपुरी से आ रही है, जहां मेनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं जीत से उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की फोटो के साथ जश्न मनाया। डिंपल यादव की ऐतिहासिक बढ़त की सूचना मिलते ही सपा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटना शुरू हो गया। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का स्वाद आपस में बांटा। पार्टी कार्यालय में मनाया गया जीत का जश्न। बड़ी खबर मेनपुरी से आ रही है। मेनपुरी की पांचों विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि मेनपुरी सदर सीट 36,982 वोटों के अंतर से डिंपल यादव ने जीत हासिल की। जसवंत नगर सीट 1.6 लाख के अंतर से डिंपल जीती। करहल सीट 75,000 के अंतर से डिंपल जीती। किशनी विधानसभा सीट 44,000 के अंदर से डिंपल ने जीता। वहीं सपा प्रत्याशी डिंपल यादव जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंची मतगणना स्थल। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव वहां मौजूद रहे। नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद। ये जीत मतदाताओं की जीत है। ये जीत जहां मेनपुरी के मतदाताओं के हित में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो मेलजोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास मेहनत से समाजवादी पार्टी को
ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पार्टी के रामचंद्र राजपाल जी, लाली वर्मा जी, ये पूरा परिवार नेताजी यादव पर ये जीत हुई। नेताजी ने और हमारी टीम ने जो विकास किया है उसकी जीत है। और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार के, जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालवाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। हत्याभियुक्त अपराधी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजने की तैयारी। सूत्र संवाद के अनुसार हम आपको बताते चले कि सीतापुर पुलिस ने कठोर कार्रवाई के चलते आज हत्याभियुक्त अपराधी गिरफ्तार कर आज अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एमपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में थाना महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 3/12/2022 को ग्राम गुलोली में लल्ला सिंह की हत्या की घटना में पंजीकृत 524/2022 धारा 302 भादवे में प्रकाश में आए अभियुक्त महमूदाबाद जनपद पता 12 बंकी के खर्जा पुलिया गुलोली मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही से घटना में खूनालुद्ध प्लास्टिक पन्नी घटना स्थल से हथौड़ा मिला है जिसमें अभियुक्त मृतक लल्ला सिंह के कई वर्षों से कार्य करता था जिसे शक के आधार पर काम से हटाया गया। लल्ला सिंह खराब होने के पर पुनः बुलाया गया। मृतक लल्ला सिंह द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व अपने नौकर अभियुक्त कल्लू उपरोग के जरिए लल्लू के चाचा की 2 बीघा जमीन के बजाय 11 बीघा जमीन लिखवा ली गई थी जिस खूंखार के कारण अभियुक्त कल्लू द्वारा लल्ला सिंह की हत्या की गई। घटना की पूरी जानकारी। पूरे घटनाक्रम में जो है 2 लोग नामजद थे यहाँ पे। एक जो है यहाँ के भाजपा के नेता है अंकुश राज विश्वकर्मा जी और एक व्यापारी है इसमें नवीन कुमार शुक्ला जो चरण पादुका नाम से उनकी दुकान है। हम लोगों ला के उनको इंटरोगेट किया, उनसे हम लोगों ने बात किया लेकिन ये बात तो सिद्ध है कि उन लोगों ने पैसा इनसे लिया था 15 लाख रुपये 10 लाख रुपये लेकिन पैसे को लेकर के इनकी हत्या नहीं निकली। हम लोगों ने काफ़ी बिंदुओं पे काम किया, इंटरोगेशन किया, इनके बेटी के बारे में प्रकाश में बात आई, इनके भतीजे के बारे में बात आई, इनके और तमाम मधुर संबंध थे आसपास के प्रधानों से उनसे हम लोगों ने इंटरोगेट किया, तमाम बात हम लोगों ने की लेकिन सब मिला के नेगेटिव ही उसमें निकलता रहा। तो पूरी मैसिव लगभग 4 दिन तक हम लोगों ने पूरे घटनाक्रम में इंट्रोगेशन और काम किया है। हमारे से अहमदाबाद नेतृत्व तो में बहुत ही इसमें लंबी कवायद हुई। अल्टीमेटली परसों और शाम को घटना करना उसने स्वीकार किया और उसने कहा कि आप चलिए और मैं आपको हथौड़ा जहाँ से खरीद तो वहाँ दिखा देंगे आपको और जहाँ से बेट लगवाए थे वो आपको बता देंगे। हमारी टीम गई मौके पर और जो दुकानदार थे बड्डूपुर में लोगों ने बताया कि हाँ साहब हथौड़ा हमने इसको बेचा था फला डेट को और जिस कारपेंटर ने उसमें मुठिया लगाई थी उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने मुठिया लगाई है इसमें। अंततोगत्वा जब प्रमाणित हो गया कि पूरा ये आदमी घटना किया है, ये घटना बाहर के आदमी के द्वारा की ही नहीं गई है, केवल यही और इनकी बेटी ही केवल जानते थे कि वो दरवाज़ा अंदर से नहीं बंद होता है, ये लगभग स्पष्ट हो गया। पर अल्टीमेटली इसने घटना करना स्वीकार किया तो घटना का मोटिव भी क्लियर है इसमें। अंततोगत्वा हम लोगों ने इसे आज गिरफ्तार कर लिया है, आज ही हम इसको जेल भिजवा रहे हैं। एक बड़ी घटना खुलासा ये है चूँकि इसमें बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि 302 का अभियुक्त था इसमें 2 व्यक्ति नामजद थे। एक आदमी को हम लोग हिरासत में ले रखे हैं, हम लोग उससे हम लोगों ने बातचीत भी किया है और तमाम तकनीकी एड लेकर के इस हम लोगों ने काम किया है लेकिन सब मिला के कन्फर्म हो गया कि ये घटना का पूरी तरह से उसने कारित किया है। हमारे CO साहब ने उनके परिजन को बुलाया था और बुला के उनसे बात करवा दी है। उनके परिजन भी बात करके संतुष्ट है कि पूरा मोटी भी घटना इसने कारित किया है। आज मुझे हमारा जेल जा रहा है। प्रवर्तन दल ने पकड़ा प्रतिबंधित माल, वसूला 20,000 जुर्माना। जोन 2 के अतिक्रमण अभियान के बाद जब कर्नल आलोक नारायण प्रवर्तन अधिकारी नगर निगम अपने दल के साथ नगर निगम लौट रहे थे तो टाटा मिल स्थित रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी 2 प्राइवेट बसों में बोरियां लोड होते देखी गई। प्रवर्तन दल को देख बोरियों के मालिक भाग गए। वहीं पर एक ई रिक्शा UP78FT0594 भी 16 बोरी प्रतिबंधित कैरी बैग के साथ पकड़ा गया।
पकड़े गए माल का कुल वजन 750 किलो है, जिसको जब्त कर लिया गया है। मौके पर ही दोनों बस के संचालक थे राजस्व निरीक्षक अरविंद मिश्रा द्वारा प्रति बस 10,000 रूपए, कुल 20,000 रूपए जुर्माना वसूला गया। इदिक्सा ने जुर्माना जमा नहीं किया, इसलिए उसको नगर निगम परिसर में निर्दुख किया गया है। इस अभियान में सूबेदार अवधेश सिंह, लक्ष्मण सिंह, वीरेंद्र, रामेंद्र हवलदार, राम नरेश, राजेश, भूपेंद्र, जितेंद्र बहादुर, इंद्रजीत इत्यादि मौजूद थे। किसान महापंचायत में आज जुटेंगे 76 गाँव के किसान। मांगरोल बीमा क्लेम को मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 9 दिन से तहसील कार्यालय मांगरोल पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर क्षेत्र के 18 ग्राम पंचायतों में से अंतिम ग्राम पंचायत के रूप में माल बमोरी व छत्रपुरा के गांव के किसान पंचायत समिति सदस्य हरिशंकर मीना और सरपंच राकेश मेहरा के नेतृत्व में धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि किसानों को बीमा क्लेम व मुआवजे देने में जितनी देरी होगी सरकार को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों को अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। इसका खामियाजा खुद समेत आगामी चुनाव में किसान चुपकाता रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के किसानों को याद केवल चुनावों के वक्त ही आती है। समिति में मीडिया प्रभारी महावीर मंडली ने बताया कि संयोजक रामचंद्र मीना के दिशा निर्देशों में किसानों के 40 सदस्य कमेटी बनाकर गांव-गांव में किसानों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार करते हुए 9 दिसंबर को आयोजित किसान महापंचायत को सफल बनाने के पिछले 3 दिन से जुटे हुए हैं। धरना के 9वें दिन पंचायत क्षेत्र के रामगोपाल बेरवा, प्रभुलाल मीना, कन्हैयालाल, रणवीर बेरवा, हरिओम गुर्जर, रामदयाल, रामनाथ गुर्जर सहित कई किसान शामिल थे। आप जो इस धरने पर बैठे हुए हो, किन किन बातों को लेकर बैठे हुए हो? पहले बात तो आप सभी को नमस्कार। किसान एकता जिंदाबाद। हम सब लोग आज लगातार 9वें दिन यहाँ पे किसान संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठे हुए हैं और हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं कि बीमा क्लेम और मुआवजा की और संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण हो, जिसमें आवारा पशुओं से हमारी फसलों का बचाया जा सके। इस धरने को चलते आज कितने दिन हो गए? आज लगातार ये 9वां दिन चल रहा है और हम सब किसान इसमें आंदोलित। आज कौन सी पंचायत का नंबर है? आज ग्राम पंचायत मालबमोरी के किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, छतरपुरा, और ग्राम पंचायत मालबमोरी के किसान। आप कौन? ग्राम पंचायत मालबमोरी के किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेमीचंद गोचर है जी। तो ये सरकार से क्या आश्वासन मिला आपको अभी तक? अभी तक सरकार कोई किसी ने भी नहीं ली, इसलिए हम बैठे हुए हैं हमारी मांगों को लेकर, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आपका नाम? भाजपा नेता मुक्तेश्वर सिंह ने गुजरात चुनाव पर दिया बड़ा बयान। खबर बलिया जनपद के बैगिया के रहने वाले भाजपा नेता भूमि विकास उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर मुक्तेश्वर सिंह ने गुजरात चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने और जीत पर दिया बड़ा बयान। कहा कि ये तो पहले से तय था कि गुजरात चुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जो हमारे सरकार ने काम किया है उसी प्रेम का यह परिणाम है। ये तो स्वाभाविक है, गुजरात में सरकार बननी थी और कुछ पार्टियों के द्वारा अनाप शनाप बोला जा रहा था। हम लोग आश्वस्त थे, हम लोग मोदी जी के किए कार्यों पे, सरकार के किए कार्यों से इतने संतुष्ट थे, हम ही नहीं आम जनता इतनी संतुष्ट थी और संतुष्ट है, जिसके चलते हम श्योर थे कि हमारी सरकार गुजरात में बनेगी। और देखिए आप, हम बढ़त पाते हुए फुल मेजोरिटी में गुजरात में सरकार बना रहे हैं। क्या वजह रही कि यूपी में और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है? अभी देखिए यूपी और हिमाचल का पूरा परिणाम नहीं आया है, इसलिए मैं कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और है कुछ वजह रही होगी, कुछ बातें अब जरूरी नहीं है कि पूरे प्रदेश में अगर 500 सीट है तो 500 सीट हमको ही मिले, हो सकता है 1-2 सीट विपक्षी पार्टियों को भी मिले, लेकिन अभी परिणाम आना शेष है, परिणाम आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। बड़ी खबर इटावा से आ रही है। इटावा के सिफई में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ। एसएस कोलस ड्राउंड सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा का झंडा भेंट किया।
अखिलेश यादव ने लखनऊ से सिफई पहुंचकर सीधे शिवपाल यादव के घर पहुंचकर चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तथा दोनों नेता एसएस कॉलेज ग्राउंड में करीब एक घंटे तक एक साथ रहे। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां थाना सादतगंज पुलिस द्वारा पहलवान जूस की दुकान चोर घाटे के पास से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। घर के अंदर ताला तोड़कर चोरी करने वाले शातिर चोर अब्दुल्ला इकबाल निवासी इंदिरा नगर थाना गाजीपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी सगी फूफी के घर से मौका पाकर अपने ऐशो आराम के लिए उसने जेवर और रुपए की चोरी करने वाले को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से जेवरात जिसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए और रुपया 5,68,000 नगद कुल बरामद की गई है। जिसने चोरी की 12 सोने की चूड़ी, 4 कंगन, 1 हार, 1 ब्रेसलेट, 9 अंगूठी, 18 जोड़ी कान के बूंदे, 2 सोने की चेन, 2 लॉकेट जिसका कुल वजन करीब 433.91 ग्राम, कीमत करीब 21,70,000 रुपए बरामद किया गया है। 2022 को थाना सादतगंज के अंतर्गत एक नकबजनी हुआ था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ था। इस संबंध में थाना सादतगंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष सादतगंज और उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास के जरिए इस घटना का खुलासा कर दिया है और इसमें एक अभियुक्त का गिरफ्तारी इन्होंने कर लिया है और 100% माल बरामद किया है। अभियुक्त अब्दुल्ला इकबाल है, ये जो चोरी का घटना का अंजाम दिया था। तो इनके पास से कुल 433 ग्राम का सोना, जो लगभग 22 लाख रुपए का कीमत अनुमानित किया जा रहा है, और 5,68,000 रुपए जो नगद कैश बरामद हुआ है। और पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये जिस घर में चोरी हुआ था इनकी फूफी का घर है और इनका आना जाना था, तो उनकी जो घर वाले हैं, जो शादी बारात में जाने का उनका था, तो जब उसी घर में ये छुप के बैठा था, तो जब वो बाहर गए थे तो इन्होंने चोरी का घटना का अंजाम दिया था और इनको पता भी था कि घर में क्या क्या रखा था, क्या क्या कहाँ कहाँ रखा था। तो इसी मौका का जो फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने चोरी का जो घटना किया था। तो टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 100% माल बरामद किया है। टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाता है और इसमें एसीपी बाजार काला द्वारा भी इसमें काफ़ी मेहनत करके एडीसीपी साहब का निर्देशन में 100% माल बरामद किया है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The three-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform
and transform, Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's number one producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a trillion-dollar economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहें हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।